वागर्थ विव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी विद्यार्थी बंधुओं का, जिज्ञासु छात्रों का ई पाठशाला चैनल पर स्वागत है। हमारा जो यह याज्ञवल्क्य स्मृति का उपक्रम चल रहा है, उसी के अंतर्गत आचार अध्याय में प्रस्तावना रूप प्रकरण, उपोद्घात प्रकरण हमने इससे पहले पढ़ा। इस प्रकरण में हम ब्रह्मचारी प्रकरण के विषय में चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मचारी शब्द जो है वह ब्रह्मणी चरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में विचरण करता है, परमात्मा में लीन रहता है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। चार आश्रम है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। और कुल आयु मानव की 100 वर्ष मान करके चारों आश्रमों को 25-25 में बांटा गया है। 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्याश्रम, 25 से 50 साल तक गृहस्थाश्रम, 51 से 75 साल तक वानप्रस्थाश्रम और जब तक जिए फिर बाद में 75 से बाद में तब तक संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचारी मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका जो निर्णय है यह इस प्रकरण में हमें मिलता है। और हमारे चार वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। उनके संस्कारों इत्यादि के बारे में, उनके कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में भी चर्चा इस प्रकरण में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें प्रथम श्लोक जो है, ब्रह्म क्षत्रिय विट शूद्रा वर्णास्त्वाद्या त्रयोद्विजः निषेकाद्या श्मशानान्तः तेषां वै मन्त्रतः क्रिया। जो चार वर्ण है उसमें जो आदि तीन वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की जो क्रियाएं होती है, जो संस्कार होते हैं, जो पूजा पाठ इत्यादि होते हैं, वह मंत्रतः क्रिया है, वह वैदिक मंत्रों से होती है। जो गर्भाधान से लेकर मरण पर्यंत, अंत्यकर्म पर्यंत जो जो संस्कार है, सभी संस्कार की क्रिया है, वो सभी समंत्रक वैदिक मंत्रों के द्वारा क्रियाएं होती है, उनका इसमें अधिकार है। और शूद्रों के लिए जो है मंत्र का प्रयोग नहीं होता है, किंतु जो पुराण इत्यादि में जो श्लोक बताए गए हैं, स्मृति इत्यादि में, उन राजोपचार इत्यादि मंत्रों से वो भी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आद्य तीन वर्ण है उसमें मंत्रों से क्रिया होती है, और शूद्रों के लिए पुराणोक्त मंत्रों से क्रियाएं होती है। इस प्रकार की व्यवस्था इस श्लोक बताई गई है। आगे कह रहे हैं, गर्भाधानम ऋतौ पुंसः सवनम स्पंदनात् पुरा षष्ठेष्टमे वा सीमन्तो मास्येते जातकर्म च। गर्भाधानम ऋतौ पुंसः, 16 संस्कार में जो प्रथम संस्कार है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। गर्भस्य आधानम इति गर्भाधानम, गर्भ का जब आधान होता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जब स्त्रियाएं ऋतुमती होती है तब यह संस्कार होता है। तो उसमें प्रथम जो 4 दिन है उसे छोड़ने का विधान भी बताया गया है, और ऋतुमती स्त्री के ऋतुमती होने से 15 दिन का समय इसमें श्रेष्ठ माना गया है। तो गर्भाधान संस्कार योग्य समय पर करने पर, योग्य मुहूर्त में करने पर हमें उत्तम संतति प्राप्त होती है। तो गर्भाधान का भी बहुत वैज्ञानिक महत्व भी है। वहाँ तो पुरुष को बीज कहा गया है और स्त्री को क्षेत्र कहा गया है। तो जितना क्षेत्र और बीज उत्तम होता है उतना फल उसका बहुत अच्छा मिलता है। जिस प्रकार से खेत में जितना बीज और जमीन जितनी अच्छी हो
उतना पाक फल अधिक अच्छा मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ भी हमें जानना चाहिए। तो यह गर्भाधान में बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह सब आपको अवश्य जानना चाहिए और उसका उत्तम रीति से उत्तम संतति के लिए पालन भी करना चाहिए। और दूसरा जो संस्कार है उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। पुंसह सवनम, पुंसवनम स्पंदनात् पुरा, यानी गर्भ का जब तक स्पंदन नहीं होता है, उसमें कोई हिलचाल नहीं होती है, उससे पूर्व में ही अर्थात 3 महीने के भीतर भीतर यह जो संस्कार है पुंसवन संस्कार, यह हमें कर लेना चाहिए। यदि काल का व्यतिक्रम हो जाता है तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो उत्तम समय है वह गर्भस्पंदन से पूर्व में, यानी गर्भाधान से 3 महीने के भीतर यह संस्कार हमें कर लेना चाहिए, जिससे कि जो हमारे गर्भ की जो है वह शुद्धि होती है, उसमें मंत्र इत्यादि का पाठ होने से और उसमें जो क्रियाएं होती है उसे गर्भ धारण करने में शक्ति मिलती है स्त्रियों को, क्योंकि बीच में गर्भ जो है वह छूट जाता है कई बार, और उसमें जो तकलीफ होती है वह न हो, उसी प्रकार का यहाँ वैज्ञानिक महत्व भी है इसका। तो दूसरा संस्कार जो है पुंसवन संस्कार है। आगे कह रहे कि षष्ठे अष्टमे वा सीमंतः, छठवें महीने में या आठवें महीने में सीमंत संस्कार करना चाहिए। यह काफ़ी प्रचलित संस्कार है, यह सब जानते ही है, गोद भराई जिसे कहते हैं, तो वह छठवें मास में होती है या आठवें मास में होती है, या फिर हमारे जो लौकिक विचार है उन लौकिक विचारों के अनुसार भी हमारा जो हमारी परंपरा है वह परंपरा के अनुसार भी कहीं कहीं यह सीमंत संस्कार होता है, लेकिन होता जरूर है, सब वर्ग में यह सीमंत संस्कार होता ही है। और इसके पीछे भी यही वैज्ञानिक है कि कारण कि सीमंत संस्कार में स्त्रियां जैसे खुश रहे उस प्रकार से उनको सजाया जाता है, उनको जो प्रिय होता है वो दिया जाता है, और फिर बाद में स्त्रियां जो है मायके जाती है। इस प्रकार की परंपराएं विभिन्न वर्ग में अलग अलग होती है, लेकिन उसके पीछे का कारण यही है कि स्त्रियां प्रसन्न रहे, जब वह गर्भधारण की हुई है तो वह प्रसन्न होगी तो बालक भी प्रसन्न रूप से रहेगा और प्रसन्नता से ही उसका विकास होगा, तो इसी कारण से सीमंत संस्कार भी होता है। और फिर बाद में जब जन्म होता है बालक का तो जो चौथा संस्कार है वह जातकर्म होता है। नाल छेदनात् पुरा, नाल छेदन से पूर्व में ही यह जातकर्म संस्कार हो जाता है। जो जातकर्म संस्कार में सोने की सलाका से मधुप्राशन का विधान शास्त्रों में बताया हुआ है, और एक मध ही है जो इतना वैज्ञानिक महत्व उसका बहुत ही है, तो उसका मधुप्राशन कराने से घृतप्राशन भी होता है कहीं कहीं, तो अपने अपने परंपरा के अनुसार, लेकिन सुवर्ण सलाका से मधुप्राशन का विधान जो है जात संस्कार में दिया, कर्म संस्कार में, जैसे उसको हम गुजराती में गड़थूथी तो वो आपड़े कहिए छे, गड़थूथी संस्कार जेने आपवामां आवे छे, तो ये जात कर्म संस्कार छे। फिर आगे बढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि अहनी एकादशे नाम चतुर्थे मासी निष्क्रमः षष्ठे अन्न प्राशनम मासी चुडा कार्या यथा कुलम। अहनी एकादशे नाम, बालक का जब जन्म होता है फिर बाद में एकादशवें दिन में 11वें दिन में उसका नामकरण संस्कार होता है, उसकी जो राशि है उसके अनुसार नाम होता है, उसका जो नक्षत्र है उसके अनुसार नाम होता है, उसका एक गुप्त नाम होता है और उसका एक व्यवहारिक नाम होता है। तो इस प्रकार से शास्त्र में 4 प्रकार का नाम रखने का विधान है, और किस कैसा नाम रखना चाहिए तो देव परक नाम रखना चाहिए, ब्राह्मण है तो उसे ऋषि परक नाम रखना चाहिए, क्षत्रिय है तो उसे शक्ति संपन्न नाम रखना चाहिए, जिसमें उस नाम से शक्ति का आभास हो ऐसा नाम रखना चाहिए। तो ऐसा कहा है कि ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा होता है, क्षत्रियों के नाम के अंत में वर्मा होता है, और जो वैश्य है उनके नाम के अंत में गुप्त होता है, शूद्र जो है उनके नाम के अंत में दास होता है, ऐसा भी शास्त्र में विधान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से शास्त्र की अनुसार और हमारी जो कुल परंपरा है उनके अनुसार हमें नामकरण संस्कार भी करना चाहिए।
चतुर्थ है मासी निष्क्रम, निष्क्रमण संस्कार। कब पहली बार हमें हमारे जो पुत्र या पुत्री जो जन्मा है उसको बाहर निकालना है घर से, सूर्य का दर्शन कब कराना है, चंद्र का दर्शन कब कराना है। अभी तो यह शायद बहुत ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अभी तो जो है वह संस्कार या क्योंकि डिलीवरी जो है वह हॉस्पिटल में ही होती है, तो वहाँ से निष्क्रमण तो करना ही होता है हमें। पहले क्या है कि घर में होती थी तो वहाँ सूतिका गृह में 4 मास तक उसे बच्चे को बाहर नहीं लाया जाता, फिर बाद में उसे सूर्य दर्शन भी कराया जाता था। इसी निष्क्रमण संस्कार में यह विधान है। तो चतुर्थ मास में हमें भगवान सूर्य का दर्शन कराना चाहिए, तब तक वह बालक का जो है वह शरीर उस ताप को थोड़ा सहने में समर्थ हो जाता है, तो उसको सूर्य दर्शन चंद्र दर्शन कराया जाता है, और फिर बाद में उससे वह विटामिन सी इत्यादि जो प्राप्त होता है वह उसके विकास में क्रमिक से काम होता है। तो चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार अर्थात उसके घर से बाहर प्रथम बार कब निकालना चाहिए, यही निष्क्रमण संस्कार है। षष्ठे अन्नप्राशनम, और फिर बाद में अन्नप्राशन संस्कार 6वें मास में कराना चाहिए। 6 मास तक तो माता अपने बालक को दूध ही पिलाती है, फिर बाद में 6वें मास में भगवान की पूजा करके, कुलदेवता की पूजा करके, हमें भगवान को प्रसाद धरा करके बालक को फिर जो है हमने भोजन बनाया हुआ है जो हल्का होता है उसके लिए योग्य, उस प्रकार का अन्न प्राशन जो अन्न खिलाना चाहिए, जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ हो ऐसा अन्न पका करके उसे बच्चे को खिलाना चाहिए, जिससे क्या है कि उसका विकास बहुत अच्छी तरह से होगा। चूड़ा कार्य यथाकुलम, फिर बाद में चूड़ा संस्कार जिसे चौल संस्कार कहते हैं, हमारे यहाँ बाबरी कहते हैं उसे, तो चूड़ा संस्कार जो है वह अपने कुल के अनुसार करना चाहिए। कोई तृतीय मास में करते हैं, कोई 7वें मास में करते हैं, तो जिस प्रकार की हमारी कुल की परंपरा है उस प्रकार से वह मुंडन संस्कार चौल संस्कार हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से गर्भाधान से लेकर चूड़ा संस्कार तक विधान है। एवं एन समम याति बीज गर्भ समुद्भवम तूषणिम एतः क्रिया स्त्रीणाम विवाहस्तु समंत्रकः। तो इस प्रकार से यह सभी हमें बीज गर्भ समुद्भव, बीज गर्भ के जो दोष उत्पन्न हुए हैं या उसमें जो कोई उसमें बीज की गर्भ की जो मलिनता थी उनको दूर करने के लिए यह संस्कार करना चाहिए। संस्कार जो है वह मलिनता दूर करने के लिए ही होते हैं। जैसे बाहर से हम सब्जी लाते हैं तो उसको धोना है, उसको पकाना है, फिर बाद में उसको हम खाते, तो यह सब क्या हुआ, उस सब्जी का संस्कार होता है। बाजार में से ला करके जो खेत में से लाई हुई हो तुरंत उसको हम खाने नहीं लगते, क्योंकि उसमें मिट्टी लगी होती है, उसमें दवाएँ छिड़की होती है, तो उसका उसमें संस्कार करना पड़ता है, उसके धोना पड़ता है, उसे काटना पड़ता है, उसे यथा पकाना पड़ता है, फिर बाद में वह खाने योग्य बनती है, तब उसे हम खा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो गर्भ से बालक निकला है जो वह क्या है उसमें मलिनताएँ होती है, तो इस प्रकार से संस्कारों से उसको शुद्ध किया जाता है, यही हमारी परंपरा है। और यह सब बीज गर्भ में जो उत्पन्न मलिनता है उसको दूरी करता है और बालक को तेजस्वी बनाता है। तो यह सभी क्रिया जो है वह बच्चों की जाती है। स्त्रियाणाम तु एता क्रिया अमंत्र का कार्य, यह तूषणिम उसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है स्त्रियों की क्रिया करने के, चाहे वह चौल संस्कार हो, चाहे वह जातकर्म संस्कार हो, चाहे नामकरण हो, उसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी लौकिक परंपरा है उसी लौकिक परंपरा के अनुसार हम हमारी बेटियों का संस्कार कर सकते हैं, उसमें कोई विशेष विधान हमें करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु विवाहस्तु समंत्रकः, जो है स्त्रियों का विवाह वह समंत्रक करना चाहिए, उसमें मंत्रों का प्रयोग हम अवश्य ही करें। तो इसलिए स्त्रियों का व्यवहार हम लौकिक व्यवहार के अनुसार भी कर सकते हैं, और उसमें पुराणोक्त वेदोक्त मंत्र पूजा इत्यादि तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो कि उसकी मुख्य क्रिया है, जो उसका विधान बताया गया शास्त्र में किस प्रकार से यह इस संस्कार को करना चाहिए, इसकी सभी संस्कारों की एक अलग से चर्चा हो सकती है कि कौन से संस्कार में किस प्रकार से विधान होता है, लेकिन विस्तार वैसे इस पाठ में हम उसको नहीं रख रहे हैं। फिर बाद में आगे कहते हैं गर्भाष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम राज्ञाम एकादशे सैके विषाम एके यथाकुलम। गर्भ से 8वें साल
यानी जब गर्भाधान हुआ है उससे आठवें साल यानी सातवें साल, हाँ यहाँ बोल कहीं कहीं कई कई जगह आठवें वर्ष में भी मिलता है, वा अब्दे नौवें वर्ष में। तो इस प्रकार से गर्भ से आठवें साल में बालक ब्राह्मण के बच्चों का उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार होता है। क्षत्रिय वर्णियों का जो है गर्भ से एकादशवें साल में जो है उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार होता है। विषाम वैश्यों का जो है वह 15वें साल में या यथाकुलम जिस प्रकार से वैश्यों का कुलाचार है उस प्रकार से उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार उपनयन संस्कार होता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का क्रमिक 8 11 और 15 या यथाकुलम जो है वह उपनयन संस्कार होता है। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता है। उपनयन संस्कार से क्या है कि जिनका उपनयन संस्कार होता है उनको द्विज कहा जाता है। द्वाभ्याम जायते यदि द्विज, एक बार तो उसका जन्म माता के गर्भ से हुआ और उपनयन संस्कार करने से उसको मंत्र दीक्षा दी जाती है तो उसका एक पुनर्जन्म हुआ है, वह दीक्षित हुआ है। तो इस प्रकार से वह गायत्री जप कर सकता है, तप कर सकता है, अध्ययन कर सकता है, उसका अधिकार मिलता है। तो उसका वह अधिकार मिलने से पुनः दूसरा विशेष रूप से जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। तो उसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों को द्विज भी कहा जाता है। तो ये हमें गर्भ से आठवें साल में ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार करना चाहिए, 11 साल में क्षत्रियों का उपनयन संस्कार और वैश्यों को यथाकुल अपने कुलाचार के अनुसार उपवित संस्कार करना चाहिए। आजकल के जो है वह ब्राह्मण भी उपनयन संस्कार में केवल नाम मात्र ही रुचि दिखा रहे हैं, तो ये हमारे परंपरा के लिए हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही हानिकारक है। सभी को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को तीनों को हमें यह अवश्य ही करना चाहिए और यज्ञोपवीत के बाद त्रिकाल संध्या भी अवश्य करनी ही चाहिए। आगे कह रहे हैं कि उपनीय गुरु शिष्यम महाव्याहृति पूर्वकम वेदम अध्यापयेत एनम शौचाचारांश्च शिक्षयेत। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद में उसे अध्ययन करने का, वेद मंत्रों पढ़ने का, वेद पढ़ने का, वेदांग पढ़ने का अधिकार मिलता है। तो उस वह बच्चा जो पवित्र संस्कार के बाद में गुरु के पास जाता है तो वह गुरु जो है शिष्यम महाव्याहृति पूर्वकम वेदम अध्यापयेत, जो महाव्याहृति है ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः उससे पुरस्सर उसके साथ में वह उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा देता है और वेदम अध्यापयेत उसको वेद पढ़ाते हैं, उसको वेदांग पढ़ाते हैं, उसको हमारे शास्त्र पढ़ाते हैं। और हमारी जो वैदिक सनातन परंपरा संस्कृति है उसका पुनः संपूर्ण अध्ययन करवाते हैं। और शौच बहुत महत्वपूर्ण है, जो आजकल की शिक्षा में विलुप्त हो गए, शौच पवित्रता शुचिता क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए उसकी उसका जो ज्ञान आचार शौच आचारांश्च शिक्षयेत, शौच और आचार पवित्रता और आचार क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका भी जो उसकी जो है शिक्षा गुरु के द्वारा दी जाती है, जो आज की शिक्षा में काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो यह हमारे गुरुकुल परंपरा में था और आज भी गुरुकुल परंपरा में यह है। तो यह उपवित संस्कार के बाद में यह करना होता है। फिर आगे कह रहे हैं दिवा संध्यासु करणस्थ ब्रह्मसूत्रो दंगमुख कुरियान मूत्रपुरीशे च रात्रौ चेत दक्षिणामुख। दिवा संध्या सुकरणस्थ ब्रह्मसूत्र उदंगमुख, उदंगमुख माने उत्तर दिशा में मुख करके दिवा संध्या सु प्रातःकालिक संध्या में या दिन की संध्या में दिवस में दिन में कर्णस्थ जो है वह ब्रह्मसूत्र होता है वह हमें कर्ण के ऊपर रखना चाहिए, कान के ऊपर। कब? तो के मूत्रपुरी से कुरियान, दिन में यदि हम मूत्र विसर्जन करते हैं पुरुष विसर्जन यानी विष्ठा करते हैं तो उसके लिए हमें ब्रह्मसूत्र जो यज्ञोपवीत वह कर्ण में लगानी कान में लगानी चाहिए और उत्तर दिशा में मुख करके हमें मूत्र और पुरुष करना चाहिए। और रात्रो चेत दक्षिणामुख, और रात्रि में यदि हम मूत्र और पुरुष का त्याग कर रहे हैं तो उसको हमें दक्षिणाभिमुख होकर के करना चाहिए। यह भी एक विधान शास्त्र के द्वारा बताया हुआ है। आगे कह रहे कि गृहीत
शिष्णस चौथाय मृद्भिः अभ्युद्धृतैः जलैः गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्यात् अतीन्द्रितः। तो यहाँ यह विधान बताया गया है कि स्वच्छता का देखिए बहुत काफ़ी महत्व था हमारे प्राचीन काल में भी। मूत्र पुरुष के बाद में आजकल जो चला है कि हाथों को बहुत बार धोना चाहिए, तो हमारे ऋषि परंपरा में देखिए कि मूत्र और पुरुष का त्याग करने के बाद भी मृत्तिका से उसका जो है प्रक्षालन करना होता था, और गंधक लेप क्षय कर्म और गंध से यानी चंदन इत्यादि से भी उसको साफ करने का विधान और उसको स्वच्छ करने का विधान मिलता है। तो प्राचीन काल से बहुत सोच का ध्यान जो है हमारी परंपरा में रखा गया है। आजकल जो है वह हम दीर्घ इत्यादि जाकर के भी शौच जाकर के भी क्या है कि हस्त प्रक्षालन नहीं करते, तो यह नहीं होना चाहिए। तो हमें तुरंत बाद आज तो व्यवस्था है तो हम फेनक से यानी साबुन से हाथ धो सकते हैं, मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है सब कुछ। तो इस प्रकार से हमें उसमें स्वच्छता रखनी चाहिए, ऐसा भाव जो है यहाँ हमें देखने को मिलता है। अंतर जानु शुचौ देश उपविष्टौ दंभुख प्रांगवा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यम उपसृषेत। तो इस प्रकार से अंतर जानु शुचौ देश, अंतर जानु यानी दो जानुओं के बीच में, दो हमारी जे जांघ छे बे जांघों के बीच, दोनों जांघों के बीच में उपविष्ट उदंग, और इस प्रकार से दोनों जांघों से नीचे बैठे हुए और उदंग मुख माने उत्तर दिशा में मुख किए हुए, प्रागवा वा पूर्व दिशा में ब्राह्मीण तीर्थ है ना, ब्रह्म जो तीर्थ है ब्रह्म तीर्थ, उस तीर्थ से द्विजो नित्यम उपस्पृश, द्विज को जो नित्य उपस्पृश करना चाहिए यानी स्पर्श करना चाहिए। तो यह तीर्थ कौन कौन से है उसका भी विवरण आगे दे रहे हैं कि कनिष्ठा देशी न्यंगुष्ठ मूल्यान अग्रम करस्य च प्रजापति पितृ ब्रह्म देव तीर्थान्यनुक्रमात। तो कनिष्ठिका यानी टचली आंगली सबसे छोटी उंगली, और अंगुष्ठ मूलानी अग्रम करस्य च, और कर का जो अग्रभाग है वो प्रजापति पितरु ब्रह्म तीर्थ हमें क्रम से जानना चाहिए। तो कनिष्ठिका का मूल जो सबसे छोटी उंगली है उसका जो मूल है वह प्रजापति तीर्थ है यानी ब्रह्म तीर्थ है, फिर बाद में जो है अंगुष्ठ का मूल है वह जो है वह देव तीर्थ है, और फिर बाद में जो पितृतीर्थ मानी प्रथम जो हमारी उंगली है प्रथम तर्जनी का मूल और अंगूठे के बीच में जो तीर्थ है वह पितृतीर्थ है, उसके सामने ही जो है जो कनिष्ठिका के नीचे वह ऋषि तीर्थ भी कहा जाता है, ब्रह्म तीर्थ भी ऋषि तीर्थ कहा जाता है। ब्रह्म तीर्थ ये जो है वह कराग्रे अग्रम करस्य च देवतीर्थ जो है वह हमारी उंगलियों का जो आगे का भाग है वह देवतीर्थ है, और जो हमारे देवतीर्थ के सामने जो अंगुष्ठ के मूल में जो है वह ब्रह्मतीर्थ कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रजापति पितृ ब्रह्म और देवतीर्थ, कनिष्ठिका के मूल में प्रजापति तीर्थ, तर्जनी के मूल में पितृतीर्थ, कर उंगलियों के अग्र में देवतीर्थ, और अंगुष्ठ के मूल में ब्रह्मतीर्थ। इस प्रकार से हमें कम से तीर्थों को जानना चाहिए। यदि हम देव का कोई कार्य कर रहे हैं तो देव तीर्थ यानी अंगुलियों के अग्र भाग से करें, यदि पितरों का कोई कार्य कर रहे हैं तो तर्जनी और अंगूठे के बीच में जो भाग है हमारा उस तीर्थ से हमें पूजा का कार्य करें तो उससे क्या है पितृ प्रसन्न होते हैं। कोई ऋषि का कार्य कर रहे हैं, प्रजापति इत्यादियों का कार्य कर रहे हैं तो उसका कार्य हमें कनिष्ठिका के मूल के नीचे जो तीर्थ है प्रजापति तीर्थ उससे कार्य करना चाहिए, और अपने स्वयं के लिए जो है वो ब्रह्म तीर्थ इत्यादियों से आचमन इत्यादि का विधान है उसका भी आगे बता रहे हैं। कनिष्ठा देशिन्यंगुष्ठ मूलान्यग्रम करस्य च प्रजापति पितृ ब्रह्म देवतीर्थान्यनुक्रमात्। तो इस प्रकार से ये तो बताया ही, आगे कह रहे कि त्रिप्रास्यापो द्विज द्विहि उन्मृज्य ख्यान खान्य अद्भि,
समुस्पृशेत अद्भिस्तु प्रकृतिस्था भी हीना भी फेन बुद्बुदई ही त्रिप्रास्य अपह द्विही उन्मृज्य। जो है वह तीन बार जल का प्राशन करना चाहिए। आप कभी पूजा करवाते हैं तो आप कहते हैं कि तृण वक्त यजमान को आप कहते हैं कि तीन बार पानी पीजिए ब्रह्मतीर्थ से। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। तो ये तीन बार आचमन करना चाहिए। द्विही उन्मृज्य जल से जो है तीन बार प्राशन करना चाहिए और दो बार हाथ धोना चाहिए। समुस्पृशेत अद्भिस्तु प्रकृतिस्था भी हीना भी फेन बुदबुदई ही वह फेन बुदबुद इत्यादियों से भी हस्त प्रक्षालन इत्यादि का विधान प्राचीन काल से भी मिलता है। अभी जो है वह हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है। अभी जो कोरोना काल है उसमें तो सैनिटाइज से भी हाथ जो है वह साफ किया जाता है। हृत आगे कह रहे कि हृतकंठ तालुका भी तो यथासंख्यम द्विजातय शुद्धेरन स्त्री च शूद्रश्च सकृत पृष्ठा भी अंततः हृदय कंठ तालु इत्यादियों से जो यथासंख्यम द्विजातय द्विजाति जो है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शुद्धेर शुद्धि होते हैं स्त्री शूद्रश्च सकृत पृष्ठा भी अंततः और स्त्री और शूद्र तो एक बार स्पर्श कर ले तो भी वह जो है वह शुद्ध हो जाते है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में यह वर्णन करके बहुत सारा वर्णन यह किया हुआ है लेकिन उन सभी का वर्णन इस पाठ में संभव न हो पाने से हम जो थोड़ा ही इसका सार रूप जो है वह हम बता देते हैं। तो संध्याम प्राक प्रातः एवं तिष्ठेद आ सूर्य दर्शनात् अग्निकार्यम तथा कुर्यात् संध्ययोः उभयोः अपि। तो इस प्रकार से तीनों वर्णों को ब्राह्मण वर्ण को क्षत्रिय वर्ण को वैश्य वर्ण को प्रातःकालिक मध्यान्हकालिक और सायंकालिक संध्या करनी चाहिए और फिर बाद में अग्नि कार्य जो होता है अग्निहोत्र का कार्य वह भी हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन सब का जो वर्णन वह इस ब्रह्मचारी प्रकरण में दिया गया है। बहुत सारे श्लोक हैं तो इन सब का वर्णन यहाँ हम न करते हुए केवल जो इसका संक्षिप्त भाग है वह हम आपको बताएँगे। जो आगे कह रहे हैं कि बहुत सारा वर्णन है अनेन विधिनादि हम साधयन विजितेन्द्रिय ब्रह्मलोकम अवाप्नोति न चेहा जायते पुनः। इस प्रकार से नैष्ठिक जो ब्रह्मचारी होता है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है उस प्रकार के सभी प्रकल्पों का पालन करके आचार्य के पास वह विद्या अध्ययन करके ब्रह्मचर्य का पालन करके त्रिकाल संध्या अग्निहोत्र आदि क्रिया करके जो शौच पवित्रता इत्यादि जो बताया गया है उसका पालन करते हुए वह विधि विधान पूर्वक से यह रहता है पत्नी के साथ। फिर बाद में उसको ब्रह्मचारी से जब गृहस्थ में आता है तब भी उसे जो करना होता है वैश्वानर इत्यादि उसका कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो शास्त्रोक्त मार्ग से जो क्रिया कर्म करता है कर्म तो करना ही है मनुष्य को। तो शास्त्र के हिसाब से जो मनुष्य कर्म करता है ये तो ही कर्म के बिना तो कोई जंतु रह ही नहीं सकता। भगवान ही श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि कोई भी जंतु जो है कर्म बिना के रह ही नहीं सकता। वह कोई ना कोई कर्म करता है कुछ नहीं कर रहा है वह भी एक कर्म ही है। तो बिना कर्म के कोई रह ही नहीं सकता है। तो नहीं एकम क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत एक क्षण भी कोई जंतु जो है वह कर्म के बिना नहीं रह सकता। तो हमें कर्म तो करना ही है जब तक जिए तब तक कर्म करना है तो क्यों ना शास्त्र से बताया हुआ ही कर्म करें। तो इस प्रकार से शास्त्र में बताया हुआ कर्म करने से साधयन विजितेंद्रिय जो वह इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करता है और ब्रह्मलोकम वाप्नोति वह ब्रह्मलोक का भागी होता है ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और इस संसार का जो भवसागर है उसको वह तर जाता है। उसको पुनः संसार में आने की जरूरत नहीं होती है। जो हमारा यह कालचक्र है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम उस कालचक्र का वो भेद करके ब्रह्मलोक में लीन हो जाता है परमात्मा में मिल जाता है। तो हम भी परमात्मा को प्राप्त करें इसलिए हमें भी यहाँ जो संस्कार इस प्रकरण में दिए हुए उन संस्कारों का विधि विधान पूर्वक
पालन करना चाहिए। और इसी के साथ आज का यह पाठ हम यहाँ समाप्त करते हैं। अस्तु तावत् पुनः मिलामः। ओम।